अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर वन नंबर वन की कुछ ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो ब्रांचेस हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है, वैसे तो ये आप ब्रांचेस पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके मुतल्लिक आप पहले भी जानते हैं। तो चलें हम एक बार इन्हें गो थ्रो कर लेते हैं कि बेसिकली तौर पर इनमें क्या कहा जा रहा है। डिफरेंट यहाँ पर ब्रांचेस हैं, इन डिफरेंट ब्रांच में जो सबसे पहली ब्रांच है उसे हम नाम दे रहे हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी का। देखिए मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है, मॉलिकुलर का वर्ड निकला है मॉलिक्यूल से, बायोलॉजी का मानी होता है लाइफ, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो हमारी ज़िंदगी को प्रिपेयर करेंगे, हम उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। चलें यहाँ लिख लेते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज दैट कौन कौन से ये मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल ले लें, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये मैंने चंद एक लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली तौर पर हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, हम लाइफ की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब हम इन्हें स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो बायोलॉजी की एक अलग से ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं कि इसका मॉलिकुलर बायोलॉजी का। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए, आरएनए, ये भी आप जानते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, ये सारे मिलकर हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी। अगली जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए मैं बी लिखूंगा। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जो डिस्कस करेगी किसको, इन्वायरमेंट को, यानी कि यहां पर इंट्रैक्शन होगा किसके लिहाज से, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिहाज से, यानी कि हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की और एबायोटिक फैक्टर्स की। ये हमारे पास इंट्रैक्शन होगा दो चीजों का, बायोटिक और एबायोटिक का। अब जब ये दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब इन्वायरमेंट प्रिपेयर्ड होते हैं। इन्वायरमेंट को अगर हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें तो इसके अंदर हम बात करते होते हैं एक चीज़ की जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 1935 ऑथर टेंसले, इस बंदे ने सबसे पहले इंट्रो ये जो इकोसिस्टम की टर्म है उसे इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी ने बताया कि इकोसिस्टम जिसे हम आम लफ्ज़ों में इन्वायरमेंट कहते हैं, इसमें बेसिकली होता है क्या है, इंट्रैक्शन हो रहा होता है लिविंग्स का नॉन लिविंग्स के साथ। जब यहाँ पर दो चीज़ों का आपस में इंट्रैक्ट होता है तब जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है हम उस चीज़ को नाम देते हैं इकोसिस्टम का या इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट और इसके कंपोनेंट्स को जिस बायोलॉजी की ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मानी होता है स्मॉल, बायोलॉजी कहते हैं लाइफ को, यानी कि कौन सी जिंदगी, स्मॉल लाइफ, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, वो एनिमल्स होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बेसिकली तौर पर हमें सिंपल, यानी कि जो हमारी ये नेकड आई होती है, ये नंगी आँख होती है जो विदाउट एनी ग्लास होती है, जिसके अंदर एक सिंपल लेंस होता है, उससे नहीं दिखाई देते ये ऑर्गेनिज्म, सिंपल या नेकड आई की वजह से नहीं दिखते, कैन नॉट सी
हम उन्हें कहते हैं क्या, माइक्रोब्स, जैसा कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई स्पोर्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे क्या हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि ये हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे रहे होते। तो इन माइक्रोब्स को जो डिस्कस किया जा रहा होता है बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी की। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या है, दुनिया पे अगर आप पानी की बात करें तो अगर फ़र्ज़ कर लें ज़मीन के ऊपर 100% के करीब पानी है तो 97% के करीब जो पानी होता है वो ओशियन है, साल्टी वाटर होता है जो किसी काम का नहीं होता, खारा पानी होता है। लेकिन अगर हम बात कर लें फ्रेश वाटर की तो वो 3% होते हैं पीने के काबिल, जो दरियाओं में, नदी नालों में, झीलों में, ग्लेशियर की फॉर्म में, ठीक है, तालाबों में, ज़ेर ज़मीन मौजूद होते हैं, तो वो फ्रेश वाटर है। अब जो फ्रेश वाटर है इसके अंदर जो लाइफ है, इसके अंदर जो ज़िंदगी है, उसे जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो खुद से एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है या जो मेराइन होगी, जो इको ओशियन होती है, उनके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सीजनल चेंज कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम उन्हें पैरामीटर्स कह देते हैं, सपोज दैट। अब जो पैरामीटर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, जो पैरामीटर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, मंथली चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल, मंथली चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि फिजिकली और केमिकली तौर पर जो मंथली चेंज आ रहे हैं उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। इन पैरामीटर्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, इनकी टू टाइप्स हैं, एक वो पैरामीटर्स होते हैं जो फिजिकली होते हैं, एक वो पैरामीटर्स होते हैं जो केमिकली होते हैं, और एक वो पैरामीटर्स होते हैं जो बायोलॉजिकली होते हैं। ये तीन तरह के पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किए जाते हैं वो दो हैं, फिजिकल एंड केमिकल, बायोलॉजिकल नहीं, इसीलिए हम इनके कहते हैं टू टाइप्स होती हैं। अब जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनमें कौन आता है, उनमें आ जाता है टेम्परेचर। जो केमिकल पैरामीटर्स हैं इसमें क्या आ जाता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्राइट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद पीएच, ये केमिकली स्ट्रक्चर्स होती हैं। कि पानी के अंदर जो फिजिकली पैरामीटर्स हैं कि पानी में पानी का टेम्परेचर कितना है, एक नॉर्मल लाइफ को टेम्परेचर जो सा होता है वो 72 से लेकर 92 फॉरनहाइट स्केल तक रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जहां पर वो मछलियां अपने आप को सर्वाइव करती हैं। और केमिकली तौर पर जो इनकी परसेंटेज है जिसमें नाइट्राइट है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पीएच है, ये भी एक लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर ये पैरामीटर फ्लक्चुएट हो जाएं, ये कम या ज़्यादा हो जाए, तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली अगर आप देख लें तो बायोलॉजिकली तौर पर क्या होते हैं, बायोलॉजिकली जो पैरामीटर्स होते हैं वो अल्जी है, ठीक है, क्रस्टेशियन है, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो बायोलॉजिकली होते हैं। तो फ्रेश वाटर जो आपके पास बायोलॉजी है, एक ऐसी बायो की ब्रांच है जो बेसिकली तौर पर उस लाइफ को डिफाइन करती है जो ताज़ा पानी के अंदर होती है। दूसरी है मेराइन बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है जो बेसिकली तौर पर लाइफ को डिफाइन करती है। किस लाइफ को डिफाइन कर रही है, वो ज़िंदगी जो बेसिकली तौर पर मौजूद होती है किस में, ओशियन में, समंदर में, हम उस चीज़ को नाम देते हैं किसका, मेराइन बायोलॉजी का। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो आपके पास यानी कि लाइफ पानी के लिहाज से है वो समंदरों में होती है, ताज़ा पानी में बहुत कम होती हैं, सबसे ज़्यादा समंदरों में होती है। और समंदरों में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है वो इंसेक्ट्स की हैं। अब इसके बाद एक तो ये हो गया कि ये जो ओशियन है ये हमें डिफाइन करता है कि जो ज़िंदगी है वो किस तरह से समंदरों के अंदर प्रोसीड कर रही है
वो किस तरह से वहाँ पर अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं, उनका लाइफ पैटर्न क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग मेथड क्या होता है, तो ये सारे जो तरीकाकार हैं ये मेराइन बायोलॉजी बताएगी, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ पर इस ये थोड़ा सा डिफाइन करेगी लाइफ को, लाइफ की जो एवोल्यूशन है जो समंदरों से हुई है वो किस तरह से है, ठीक है। इसके बाद अगली बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जिक्र कर रहे होते हैं किसका, पैरासाइट्स का। अब ये पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स असल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं होस्ट पे। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट इसका जो बॉडी होता है या तो ये उसके बॉडी के इनसाइड होते हैं या ये उसकी बॉडी के आउटसाइड होते हैं। इनसाइड हो या आउटसाइड हो, करना क्या है, दो ही चीज़ें लेनी है, या उनसे लेना है शेल्टर या उनसे लेनी है फूड, जिसको नरिशिंग कहते हैं। नरिशमेंट के लिए और शेल्टर के लिए या प्रोटेक्शन के लिए ये हमेशा डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, अपने होस्ट की बॉडी पे। तो वो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करने वालों को पैरासाइट्स कहते हैं, और पैरासाइट्स का जिस बायो की ब्रांच में मुताला किया जाता है वो पैरासाइटोलॉजी है। अब यहाँ पर इसका मतलब है दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक वो पैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं एंडो पैरासाइट्स, एक वो पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं एक्टो पैरासाइट्स। अब आउटसाइड जो रहने वाले हैं वो कहलाते हैं एक्टो पैरासाइट्स। अब ये जो एक्टो पैरासाइट्स हैं, एग्जाम्पल ले लें मस्कीटो, फ्ली पिस्सू जिसे कहते हैं, लीच झोंक जिसे कहते हैं, ये वो पैरासाइट हैं जो जिस्म के आउटसाइड रह रहे होते हैं। जिस्म के इनसाइड जो हमारे जो बॉडी है उसके इनसाइड जो पैरासाइट रह रहे होते हैं वो बेसिकली कौन है, उनमें हमारे पास आ जाएंगे वर्म्स, सारे वर्म्स। वर्म्स में राउंड वर्म, टैप वर्म, ठीक है, एस्कैरस, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे जिस्म के अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं। इन चीज इन्हें हम नाम देते हैं पैरासाइट्स का, और ये जिसमें डिस्कस किए जाते हैं वो पैरासाइटोलॉजी है। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी दैट एग्जामिनेशन द ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन्स ह्यूमन जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूट्रिटिव, रिप्रोडक्टिव, साइटोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनको डिफाइन करना ये ह्यूमन बायोलॉजी है। यानी कि सिंपली बात ये कि इंसान के मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन, इंसान के जेनेटिक्स, उसका सेल, उसके बॉडी के फंक्शन, वो क्या खाते हैं, उसका माहौल कैसा है, वो माहौल के साथ कैसा इंट्रैक्शन शो करता है, बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है, तो उसकी जो सोशलिक लाइफ होती है वो किस तरह से है, हर एक चीज़ जो डिफाइन की जा रही है अबाउट दी ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आए सोशल बायोलॉजी। तो ये वो कहता है कि एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच होती है जो सोशल बिहेवियर को डिफाइन करती है,
सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ, सोशियो सोशल बायोलॉजी। देखिए यहाँ पर है ना, हम सोशल कम्युनिकेशन या फिर जो सोशल बिहेवियर होगा किन का, ऑर्गेनाइजम्स का, लेकिन उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है ह्यूमन, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजम्स की, उस चीज को हम नाम देते हैं सोशियोबायोलॉजी। इसी सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर की वजह से जो चीज प्रिपेयर्ड होती है, इनके ऑर्गेनाइज्म जब अपना कम्युनिकेशन या बिहेवियर शो करते हैं उसकी वजह से जो चीज बनती है वो सोसाइटीज होती हैं। यहां पर सोसाइटी प्रिपेयर्ड होती है। सपोज दैट आप एग्जांपल ले लें, सोसाइटी हम बना रहे हैं किसकी, हाई छत्ता, हनीकॉम्ब, शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर एक इंट्रैक्शन होता है, कम्युनल लाइफ होती है, तीन चीजें इकट्ठी रह रही हैं, तीन कास्ट हैं वो एक ही, क्वीन, वर्कर्स, मेल, एक मलका है, कुछ काम करने वाले प्यादे होते हैं, फिर कुछ मेल होते हैं जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। ये तीन चीजें जो उनसे होती हैं अलग अलग हैं। तो शहद की मक्खियां जो उनसे होती हैं हमेशा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, इनकी कम्युनल लाइफ होती है, इनका बिहेवियर होते हैं, मलका का बिहेवियर और, वर्कर्स का और, मेल का और, फंक्शन भी अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग परफॉर्म कर रहा होता है इन्होंने। तो ये मिलकर क्या बना रही हैं, ये एक छत्ता बना रही है, घर बना रही है, एक सोसाइटी बनाती हैं, तो जिसमें ये इकट्ठा रह रही होती हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगली जो सी है उसमें डिफाइन किया हुआ है किसको, बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं लाइफ की टेक्निकली, यानी कि जो लाइफ है वो टेक्निकली तौर पर यूज की जा रही होती है, कहां पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, किस मकसद के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है, इंसानों को इस जिंदगी से क्या फायदा है। योगर्ट दुनिया की बात कर ले, नेस्ले कंपनी है, पूरी दुनिया पे दही बनता है, योगर्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है ना, बैक्टीरिया बना रहे हैं। अल्कोहल बिवरेज की बात कर लें तो ये जितने भी शराब खाने हैं इनके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो कौन है, यीस्ट, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये चीजें जो बना रही हैं वो बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे क्या होता है इंसानों को फायदा हासिल होता है। तो यहाँ पर जो लाइफ इस्तेमाल की जा रही है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही हों, यीस्ट भी हों, नहीं, यहाँ पर प्लांट भी इस्तेमाल किए जाते हैं मोती तरह की चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए, एनिमल्स जिनमें गोट आ जाती हैं, शीप आ जाती हैं, माइस आ जाते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे भी डिफरेंट तरह की आगे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है बेसिक ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी जिसका ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो हम नेक्स्ट करेंगे जी।